दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं राजमे की सब्जी। ये मैंने राजमा पहले से ही फ्लो दिया था सुबह सुबह, अब मैं रात में बना रही हूँ इसकी सब्जी। ये बहुत अच्छे से फूल गया है। अब इसके लिए ये हमने कुकर ले लिया है, अब इसमें डालते हैं हम राजमा। इस तरह से ही सारा राजमा डाल लेना है। हमने सारा राजमा इसमें डाल दिया है, अब डालते हैं हम पानी। अब डालना है नमक। अब ये सोडा डाल ली हूँ मैं। अब गैस जला देती हूँ। पानी हमें ज़्यादा ही रखना है क्योंकि राजमा अच्छे से इसमें डूब जाए थोड़ा, और पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है क्योंकि इसे फेंकना नहीं है राजमा उबलने के बाद। अब लगा देते हैं हम ढक्कन। अब इसमें हमें कम से कम 10 से 15 सीटियां लगानी है क्योंकि राजमा अच्छे से गल जाएगा। देखो राजमा हमारा उबल गया है और पानी हमने बिल्कुल अलग कर लिया है और राजमा अलग। देखो इस तरह से हमारा राजमा बिल्कुल अच्छे से गल गया है। और हाँ, आपका प्रेशर कुकर के ऊपर बात है, किसी के कुकर में जल्दी सीटी आती है और किसी के में कम। हमारे में बहुत जल्दी जल्दी आती है तो ये ज़्यादा सीटियों में गला है इसलिए। तेल मैंने पहले से ही गरम कर लिया है। अब इसमें डालती हूँ मैं लहसुन प्याज का पेस्ट। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाल दिए मैंने। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालती हूँ स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब मसाले को अच्छे से भूनना है। अब इसमें राजमा मसाला डालना है। ये लिया है मैंने अशोक राजमा मसाला। अब इसमें मैं डाल ली हूँ राजमा मसाला। अभी इसे भी अच्छे से मिला देते हैं। अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल तेल आ गया है इस पर। इसमें राजमा इसी तरह से सारा राजमा डाल दिया, राजमा डाल दिया है इसके अंदर। अब डालते हैं राजमे का पानी जो हमने बचा के रखा था छान के। पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से इसमें हमें 2 सीटी लगानी है सिर्फ। अब लगाते हैं इसका ढक्कन। ढक्कन लगा दिया है मैंने, अब तेज़ गैस कर दी है। अब 2 सीटी लगानी है सिर्फ, फिर बंद कर देंगे। आके हमने गैस बंद कर दी है। अब सब्जी अच्छे से देख लेते हैं। सब्जी बनके हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी। अब करते हैं इसे एक बाउल में। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत ही इजी तरीके से हमने बनानी बताई है आपको। और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।